स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं आरके अलर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की जो एलडीसी की भर्ती है उसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी जारी कर दी गई है। अब एक चीज और है कि उसमें 19 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन आया था, उसमें यह बताया हुआ था कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो वो रिजेक्शन का क्या कारण रहा और क्यों ये फॉर्म रिजेक्ट किए गए और कितनी वो लिस्ट है, इसके बाद में हम बात करेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो एग्जाम है वो इस डेट को हो रही है। सारी जानकारी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए, वो आप देख सकते हैं, आप खुद भी ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वो नोटिफिकेशन है, देख पा रहे होंगे आप, 24/1/2023 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ये बताया गया है कि ये एग्जाम इस डेट को होने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं 24 तारीख, और जो इसकी एग्जाम डेट है वो क्या है इस पे बात करेंगे। ये जो है नोटिफिकेशन नंबर है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड, उसके लिए ये एग्जाम है। अब जो एग्जाम डेट है वो क्या है, यहां से अपन देख सकते हैं, नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न दैट द रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फॉर राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट RS LSAN DL SAS एंड क्लर्क ग्रेड सेकंड शैल बी हेल्ड ऑन 12 मार्च 2023 संडे एंड 19 मार्च 2023 संडे। तो जो एग्जाम डेट है वो आपके सामने क्लियर है, यहां पर 12 मार्च 2023 संडे और 19 मार्च 2023 संडे को ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो रिजेक्टेड फॉर्म है उनकी लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं। रिजेक्टेड फॉर्म है उनकी लिस्ट यहां पर आप देख पाएंगे कि 19 तारीख का ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि देखिए ऑलमोस्टली 1900 प्लस ये रिजेक्टेड फॉर्म है और उनमें नाम, फादर्स नाम, मदर्स नेम, एप्लीकेशन रिटेंड और एप्लीकेशन आईडी डिलीटेड, जो ये एप्लीकेशन आईडी डिलीट कर दी गई है। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए 1907 कैंडिडेट की जो लिस्ट है जिसमें जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, 1907 जो भी कैंडिडेट हैं वो इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं जिन जिन के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है, आप हमारी वेबसाइट rkalert.in पर विजिट करके भी देख सकते हैं। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, यहां पर जैसे आप rkalert.in पर आएंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म लिस्ट 2023, ये आर्टिकल है, इसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए आप विजिट करते रहिए rkalert.in पर। बता देते हैं किस तरह से आप rkalert.in पर सरकारी नौकरी का अपडेट पा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर rkalert.in की वेबसाइट पर आना होगा। इसके बाद में यहां पर जो आपको सबसे ऊपर जो टैब दिख रहे हैं, सरकारी रिजल्ट, सरकारी नौकरी, एग्जाम डेट्स, एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, यहां पर से आप क्लिक करेंगे, उस लिंक पर जाकर आप, जैसे गवर्नमेंट जॉब देखनी है आपको तो आज की डेट के गवर्नमेंट जॉब अभी लगभग 2 लाख के आसपास एक्टिव जॉब्स हैं सारे देश में। तो यहां पर देखिए रीसेंट जो वैकेंसी है जो चल रही है उनका है, जैसे असम पुलिस में फॉरेस्ट गार्ड के 2649 पद हैं, AIC मैनेजमेंट ट्रेनी के 50 पद हैं, असम फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट फोर्थ ग्रेड के 110 हैं, UPSRTC बस कंडक्टर के 241 हैं, ऐसे सारे अपडेट आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में,
जहां पर मिलेगी आपको सारी सरकारी नौकरी की लेटेस्ट अपडेट। विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए।